नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश की सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस आने वाले सालों में कई रूट्स पर दौड़ती नजर आएगी। इसके लिए भारतीय रेल मंत्रालय ने तैयारियां शुरू कर दी। रेलवे मंत्रालय 2024 से देश के सभी व्यस्तम रूट्स पर वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने की योजना पर काम कर रहा है। इसके लिए मंत्रालय ने प्रोडक्शन प्लान तैयार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक 2024 मार्च तक 100 से अधिक वंदे भारत एक्सप्रेस रैक का प्रोडक्शन किया जाएगा। मंत्रालय ने इस रैक को प्रोडक्शन प्लान में शामिल कर लिया। इसमें से सबसे अधिक रैक ICF चेन्नई में बनाई जाएंगे। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में वंदे भारत एक्सप्रेस की 42 रैक यानी 672 कोच और वित्तीय वर्ष 2023-24 में 59 रैक यानी 944 कोच बनाए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो 42 रैक का प्रोडक्शन होना है उसमें इंटेग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में 22, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली और रेल फैक्ट्री कपूरथला में 10-10 रैक बनाए जाएंगे। वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 में ICF चेन्नई में 30, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में 15 और रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में 14 रैक बनाए जाएंगे। इनमें दोनों वर्षों में सबसे ज्यादा ICF चेन्नई में 52 रैक बनाए जाएंगे। इस तरह दोनों वर्षों में 101 रैक यानी 1616 कोच तैयार किए जाएंगे। बता दें कि मौजूदा समय में 2 वंदे भारत ट्रेनें संचालन में हैं। इनमें एक दिल्ली से वाराणसी और दूसरी दिल्ली से कटरा शामिल है। इस खबर में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।